हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि हम सब कैसे फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप सभी को गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या गूगल को ओपन कर लेना है, और इसमें आपको टाइप करना है रिमूव बीजी, REMOVE BG। इसको टाइप करने के बाद में आपको इंटर करना है। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं फ्रेंड्स, तो सेम टू सेम ऐसे ही अप्लाई करना है, ऐसा ही प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको शो हो रहा है फ्रेंड्स, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज remove.pg। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपको एक पेज खुल कर आएगा। इसमें आपको शो हो रहा है अपलोड इमेज और ड्रॉप ए फाइल। तो आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास नहीं खुल कर आएगा, आपका डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स आपका एक फोल्डर खुल के आएगा, और उसमें आपको सिलेक्ट करना है फोटो। तो मान लीजिए मेरे डाउनलोड फोल्डर में सोनू सूट का एक फोटो है, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। जैसे ही आप ओपन कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो भी बैकग्राउंड होगा इसको ये चेंज कर देगा, मतलब पीछे से हटा देगा, और आप यहां से एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आपको जो भी बैकग्राउंड लगाना है आप यहां पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहां से मैं लगा ले रहा हूं कोई भी। अगर आपको कलर लगाना है बैकग्राउंड में, तो यहां पे आपको कलर का भी ऑप्शन शो हो रहा है, आप कलर पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पे कलर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान एंड बहुत ही इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है और इसका ऐप भी आता है remove.bg का, रिमूव बैकग्राउंड। इसका ऐप भी आता है, आप एंड्रॉयड में सेव करके इस ऐप को रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको बैकग्राउंड को हटाते समय कोई प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा बड़ा नहीं हटा है, तो आप यहाँ पे इरेजर से हटा सकते हैं। जैसे मेरे पास इरेजर आ गया और मैं यहाँ पर ब्रश भी का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं और छोटा कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे ही तो ये हटना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब हटने लगता है। और मैं यहाँ से रीस्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक करके फिर से ऐसे करूँगा तो इनकी फ़ोटो जो है रीस्टोर हो जाएगी। ये रीस्टोर भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने बैकग्राउंड को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। और इसको जब आप बना लीजिएगा पूरी तरह से इस वीडियो को, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो जो है डाउनलोड, सॉरी, आपका जो फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल में। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगी डाउनलोड इमेज और शेयर इमेज। तो मैं डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो आपका इमेज है डाउनलोड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।